शुरुआत कुछ ऐसी थी, ये बात उस साल की थी जब तू नाइन्थ में आया था, तू पीछे जाकर बैठा था और मैं बैठा आगे था। अभी भी याद है मुझे देखकर तुझे था, क्योंकि लेकर तू संग आया अपने पीछे एक छुटिया था। दिन बीते, मुलाकातें हुई, हफ्ते बीते, दोस्ती हुई आपसे, तुमसे और फिर गालियों से बातें हुई, मतलब अब दोस्ती नहीं भाईगिरी सी हो गई। यहाँ से सफर स्कूल का शुरू हुआ, स्कूल आते एक साथ, जाते एक साथ, एक नहीं आते तो टीचर पूछता कहाँ गया तेरा जोड़ीदार, टॉयलेट एक को आता था जाते दोनों साथ थे। उसकी वजह से मैं खुद को जान पाया कि उसकी तरह मैं भी बहुत गंदा था। दो साल हुए उसे जमकर पास कराया, मार भी खाई, डांट भी खाई, सारा काम किया, लेकिन फिर भी उसे पास कराया। टीचर बोलते इसका साथ छोड़ दे, बिगड़ जाओगे, पढ़ोगे नहीं और बहुत कुछ जो भी, लेकिन क्या रखा था इन सब बातों में, क्योंकि अब वो मेरा भाई था। बात बात पर कहता था जान है तू मेरी, आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो तुझे भी, तुझे तो जान भी हाजिर है। ये सुनकर बस उसको एक बार मुस्कुरा के कह देता था ये मत कराकर मरने की बात है, पर सुनता कहाँ था, करता अपनी मर्जी की था। कोई कमिटेड वाले ऐसे क्या बात करेंगे जैसे मैं उससे बात करता था, क्योंकि अब वो भाई नहीं जान बन गया था। 11th में क्लास अलग हुए लेकिन प्यार और दोस्ती बढ़ती रही, दूर रहता था लेकिन चिंता उसकी हमेशा रहती थी। बात कम होने लगी, ऐसा लगा नहीं दोस्ती में कुछ हुआ, बस बिजी हो गए अपने अपने काम में। मिलते थे तो बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा और तू कंपाउंडर, कभी बोलता दोनों भाई बिजनेस करेंगे, लेकिन अब अकेला बैठा हूं तो याद करता हूं उसको, उसके सारे साथ के पर। कंपाउंडर तो नहीं लेकिन जो वो कह रहा था वो जरूर पूरा करूंगा, बस यही सोचता हूं कि जल्दी ही तुझसे मिलूंगा। सच तो यही है, सच तो यही है और यही होगा, मान लेता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ है। एक आखिरी बात, तू भाई है, तू भाई नहीं चाहने अपनी, रुद्रांशु फॉरएवर। Thank you.